हेलो फ्रेंड, तो फिर से स्वागत है फास्ट इन्फॉर्मेशन में। आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। बिहार विधान परिषद पटना में जो होने वाला इंटरव्यू है कार्यालय परिचारी फर्रास माली सफाईकर्मी और दरमान को लेकर के, सारे चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। और इंटरव्यू में किस टाइप से आपको इंटरव्यू देना है, कौन से क्वेश्चन पूछा जाता है और कौन से ड्रेस पहन कर आएंगे, सारे चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले हम खबर आपके माध्यम से देंगे। और आज बात करेंगे कि इंटरव्यू में कौन सी ड्रेस पहन के आना है, ड्रेस के बारे में मूल रूप से बात करेंगे। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे इंटरव्यू स्टार्ट होगा तो सबसे पहले आप लोग ड्रेस पहन के आएंगे इस टाइप का। अभी आप लोग के सामने में एक फिगर दिखता होगा, ये फिगर देख लीजिए, इसमें व्हाइट शर्ट दिखाया गया है। व्हाइट शर्ट फुल शर्ट आप लोग को पहन के आना है, साथ ही पैंट देख लीजिए ब्लैक कलर का है, या इस टाइप का पैंट आप पहन के आ सकते हैं और फॉर्मल जूता पहन के आ सकते हैं। इसके अलावा आप लोग शर्ट के या पैंट के कपड़े में चेंजिंग कर सकते हैं, इस टाइप का भी आप कपड़ा पहन के आ सकते हैं, लेकिन वो फॉर्मल शर्ट, फॉर्मल पैंट और फॉर्मल शूज होना चाहिए, यह आपकी चलेगा इंटरव्यू में। अब बात कर लेते हैं कि इंटरव्यू में पहला क्वेश्चन कौन सा आएगा, हमें किस तरह से एंट्री करना है। तो जैसे ही आप लोग फॉर्मल ड्रेस में पहन के आएंगे, आपको एंट्री करने के लिए बोला जाएगा। तो आप लोग को जैसे ही बोला गया कि आप लोग गेट की एंट्री करिए, रूम में जाइए, तो आपको रूम में जाना नहीं है, पहले गेट पर से परमिशन ले लेना है कि मैं सर अंदर आऊँ। ये चीज़ आप इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, मे आई कम इन सर, या सर मैं अंदर आऊँ। जैसे आप लोग को अच्छा लगे वैसा वर्ड बोलिए, और जब वो परमिशन दे तो आप अंदर जाइए। अंदर जाते ही आप लोग के सामने एक चेयर लगा रहेगा, तो आप लोग को चेयर पे नहीं बैठना है। चेयर पे बैठने से पहले आप लोग सर से एक बार परमिशन ले लेंगे, या सर खुद बोल देंगे कि आप बैठिए, फिर जाके आप बैठिएगा, वरना तब तक आप खड़े रहिएगा जब तक आप लोग को कुर्सी पर चेयर पर बैठने के लिए ना कहे। जैसे ही चेयर पर बैठेंगे तो आप चेयर के जो हाथ रखने वाला होता है उस पर हाथ नहीं रखना है, हाथ आपको नीचे रखना है। ठीक है, इतना बात आप समझ गए होंगे कि हमें इस टाइप का ड्रेस पहन के जाना है, फॉर्मल ड्रेस। ड्रेस का कलर कुछ भी हो चलेगा, लेकिन फॉर्मल होना चाहिए, फॉर्मल ड्रेस, फॉर्मल शूज, फॉर्मल पेंट होना चाहिए। ये ड्रेस ही इंटरव्यू में आपको सिलेक्शन दिला सकता है। ड्रेस के मैटर में बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट होता है जो जेंट्स पहन के चला जाता है, टी शर्ट पहन के चला जाता है, कोई भी प्रकार का जूता पहन के चला जाता है, हाथ में रिबन बांध के चला जाता है, इस टाइप का कुछ नहीं चलता इंटरव्यू में। यह आपको पहले ही सिलेक्शन करने से हटा देगा, ऑफिस से बाहर कर देगा। आपको सिलेक्शन लेना है तो आप इस टाइप का ड्रेस पहने, इस टाइप का ड्रेस पहने, आपको जो ड्रेस अच्छा लगे वो पहने, लेकिन फॉर्मल होना चाहिए, फॉर्मल जूता, फॉर्मल पैंट, फॉर्मल ड्रेस होना चाहिए। इसके अलावा जो इंटरव्यू में पहला क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपसे पूछे जाएंगे, कुछ भी पूछा जा सकता है, इंटरव्यू है तो कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन उसमें जो कहीं भी इंटरव्यू होता है तो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, आप अपने बारे में बताइए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने बारे में बताइए। देखिए, क्वेश्चन आप लोग को दिखने में हल्का लगता होगा, लेकिन ये क्वेश्चन का जवाब आप जितने अच्छे ढंग से देंगे, उतने ही अच्छे ढंग से आपका सिलेक्शन होने में कामयाबी हो पाइएगा। क्योंकि इंटरव्यूअर हमेशा आप ही के क्वेश्चन से आप ही को फंसाना चाहता है, आप ही के आंसर से आप ही को फंसाएंगे। इसीलिए आपको हमेशा याद रखना है कि हमें किस टाइप का आंसर देना है। जैसे ही पूछेगा आप अपने बारे में बताइए, तो आप अपने बारे में बताने के लिए कुछ चीज़ें हम यहाँ पर लिख दिए हैं, आप इनको शॉर्ट स्क्रीन लेके प्रैक्टिस करें या आप इनको देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने बताया, जैसे पूछेगा ये आप अपने बारे में बताइए, तो आपको बताना है कि मेरा नाम डब्लू कुमार। जैसे आपका नाम डब्लू है, बबलू है, सुमित है, मनीष है, जो भी नाम हो, आप अपना नाम बोलेंगे और अपना ग्राम बोलेंगे, मैं इस गांव से हूँ, जैसे मैं पटना से हूँ, पोस्ट मेरा पटना है, भाया मेरा पटना है, ज़िला मेरा पटना है, यानी आप अपने एड्रेस शॉर्टकट में बताएंगे। उसके बाद आपको बताना है कि सर मैं मैट्रिक पास किया हूँ, आपको क्वालिफिकेशन बना है, सर मैं 2015 में या 2013 में या 2014 में मैट्रिक पास किया हूँ फर्स्ट डिवीज़न से, और 2015 में या 2017 में या 2018 में जितने ईस्वी में आप इंटरमीडिएट पास किए हैं, बताना है कि सर मैं इंटरमीडिएट किया हूँ इतने ईस्वी में। इसके बाद आपको बताना है कि सर मैं कोई भी काम अपने अनुसार से उसमें अनुशासित रूप से करने में सक्षम रहते हैं, यानी कि कोई भी कार्य करने में हम हमेशा उसमें मेहनत से काम करते हैं। यानी कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर सही सही देना है और सोच समझ के देना है, तो आपके सिलेक्शन में पक्का होंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन ले सकते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन को आप सबसे पहले तैयार करें, उसके बाद जो आपके क्वेश्चन आएंगे, ये सारे क्वेश्चन आने की संभावना रहता है, क्योंकि मैंने जो इंटरव्यू दिया है उसके अनुसार से बता रहा हूँ। उसके बाद बताएंगे, पूछे जा सकते हैं कि आप कहाँ पढ़े हैं, कहाँ तक पढ़े हैं। अगर आपसे पूछेगा कि आप कहाँ तक पढ़े हैं, तो सुन लीजिए, आपको पूछेगा कहाँ तक पढ़े हैं तो आपको ये नहीं बोलना है कि हम इतना तक पढ़े हैं, बस आपको ये बोलना है कि जॉब फोर ग्रेड का है, तो फोर ग्रेड का इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, तो आपको उसी अनुसार से आपको क्वालिफिकेशन बोलना है। क्योंकि यहाँ पर बड़े
प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की रखने की कोई उम्मीद नहीं है, इसीलिए उस टाइप के ही क्वालिफिकेशन बताएंगे जैसे कि लगे कि हाँ इस टाइप के क्वालिफिकेशन मुझे चाहिए और इस टाइप के क्वालिफिकेशन के स्टूडेंट इस टाइप के इंटरव्यू देंगे और इस टाइप के पोस्ट पर कार्य कर सकेंगे। यानी कि आप लोग हो सके तो इंटरमीडिएट तक बताएं, जैसे कि मैट्रिक पास है या इंटरमीडिएट पास है, इस टाइप के बताएं। बाद में बोल दीजिएगा कि हम सर इतना ही पढ़े हैं, आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर आप ज़्यादा भी लंबा बोलते हैं, जैसे ग्रेजुएशन किए हैं, तो आप लोग नॉर्मल व्यू में बोलिएगा, नहीं तो आपको ग्रेजुएशन से या मैट्रिक से या इंटर से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि ये इंटरव्यू है, इंटरव्यू में कहीं से भी क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना रहता है। यह उन पर डिपेंड होता है कि हम कैसे इंटरव्यू पूछें, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इंटरव्यू आप लोगों को फोर ग्रेड के जॉबों के लिए है, तो फोर ग्रेड के तरह ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन आ सकते हैं कि आप किस चीज़ का इंटरव्यू देने के लिए आए हैं, आपसे ये पूछ सकता है कि आप किस चीज़ का इंटरव्यू देने के लिए आए हैं, तो आपको जवाब देना है, सोचना है कि आप जैसे कि सर मैं कार्यालय परिचारी ऑफिस अटेंडेंट, कार्यालय परिचारी को इंग्लिश में ऑफिस अटेंडेंट बोला जाता है, तो बोलना है ऑफिस अटेंडेंट के इंटरव्यू देने के लिए आए हुए हैं, मुझे इस कार्य में बहुत रुचि रहता है और मैं इस कार्य को ईमानदारी से करने का लक्ष्य रखता हूँ। यानी कि आपको उस पर फोकस डालना है जिस पोस्ट के लिए आप इंटरव्यू देने के लिए आए हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखें, वरना आपकी सिलेक्शन में थोड़ा कठिनाई आ सकती है, झेलना पड़ सकता है। अगला क्वेश्चन ये आ सकते हैं, आप इतने पढ़े लिखे हैं कि आप ऑफिस अटेंडेंट का काम कर सकेंगे, आपसे पूछ सकता है कि आप ग्रेजुएट हो, आप इंटरमीडिएट हो, आप एमए किए हो, क्या आप ये काम कर लेंगे, आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि ये पोस्ट छोटा है, ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति इस पोस्ट को करने में थोड़ा हिचकिचाहट होगी, लेकिन आपको नौकरी लेना है, आपको सिलेक्शन लेना है, तो आपको बोलना है सर मैं कोई भी कार्य को छोटा और बड़ा नहीं समझता हूँ, सब कार्य मेरे लिए अच्छा है और मैं उसे ईमानदारी से करने का संकल्प, यहाँ अंकल लिखा गया, सॉरी यहाँ अंकल नहीं होगा, यहाँ संकल्प होगा, संकल्प रखता हूँ कि उस कार्य को ईमानदारी से करेंगे, सारी कार्य करने के लिए हमेशा हम सक्षम रहते हैं। इस टाइप से आपको आंसर देना है, यानी कि वहाँ पे ऐसा ना लगे कि ये स्टूडेंट सिलेक्शन लायक नहीं है, आपको इस तरह से मोटिवेट करने हैं इंटरव्यूअर को कि उसको लगे कि यही स्टूडेंट ऐसा है जो इस कार्य को कर सकें। इस टाइप की सारे क्वेश्चन आपको हम देते रहेंगे वीडियो के माध्यम से, अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, रेगुलर बेस पर हम आपको एक एक वीडियो डालेंगे, इंपॉर्टेंट वीडियो डालेंगे। ये सारे जो क्वेश्चन जो हम डाल रहे हैं वो एक्सेप्टेड है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में, इसलिए हम इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे आगे भी आप लोग अपने मन से तैयारी करते रहिए, ज़्यादा कुछ और डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताइए, आपके हर कमेंट को हम जवाब देंगे, और मेरी चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। तब तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।